Hello students, how are you? I hope you will be fine. You will be better than yesterday. Present perfect tense. According to this tense, it shows the work has finished in present time. The work has completed. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्क जो है प्रेजेंट टाइम में ही पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो गया है. इंग्लिश के हिसाब से वर्क कंप्लीट. हिंदी में अगर हम देखते हैं तो इसका मुख्य पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में वह जा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ला है, ली है, या है, ये है, ई है, इत्यादि शब्द आते हैं. उसके बाद है, हो, हूं इत्यादि आएगा. जैसे वह कार्य पूर्ण कर चुका है, वह कार्य पूर्ण कर लिया है, या वह कार्य पूर्ण किया है इत्यादि. सबका अर्थ यही होता है. मोरल अगर हम देखें तो वर्क जो है कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुके हैं. सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को देखें तो इस टेंस का जो फार्मूला बनता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज है, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं. तो अब हमें देखना हैव और हैज किसके साथ लगता है. आई, वी, यू, दे, या नाउन हो, कोई प्लुरल में नाउन हो, दो या दो से अधिक लोगों का नाम एक साथ लिखा हो तो उसके साथ हम हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके वाक्य बनाते हैं. हैज हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं. ही, सी, इट, किसी एक का नाम हो, कोई सिंगुलर नेम हो, उसके साथ हम हैज का हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं, लगा करके वाक्य को बनाते हैं. जैसे आई हैव फिनिश्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, इस तरह से वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं और थर्ड फॉर्म का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. वी हैव फिनिश्ड द वर्क. यू हैव फिनिश्ड, तुम कार्य कर चुके हो, या यू हैव फिनिश्ड, वी हैव फिनिश्ड, यू हैव फिनिश्ड, प्लुरल के साथ राम एंड श्याम हैव फिनिश्ड, इस तरह से वाक्य बनते हैं. तुम कार्य कर लिए हो, या तुम कार्य कर चुके हो, वह कार्य कर चुका है, वह, ही, सी, इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं. ही हैज फिनिश्ड, He has finished the letter. He has finished the food. वह भोजन कर चुका है. He has finished the food. She has finished her lesson. वह अपना पाठ जो है पूरा कर लिया है. तो इस तरह से हम इन शब्दों के साथ has plus verb का third form, फिर object लगा करके वाक्यों को, affirmative वाक्यों को बनाते हैं. चलिए देखते हैं negative वाक्य हम कैसे बनाते हैं. Negative वाक्य में भी formula same होता है, वही सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, सिर्फ हैज हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और कोई चेंज नहीं होता है. एग्जांपल के तौर पर ले लें, आई हैव नॉट रिटन ए पोयम, मैंने या मैं एक कविता नहीं लिखा है. दूसरा वाक्य हम ले लें, वी हैव नॉट फिनिश, एफ आई एन आई एस एच ई डी, वी हैव नॉट फिनिश द गेम, हम या हम लोग गेम पूरा नहीं किए हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह चुका चुकी ही आए, वर्क फिनिश होने का बोध होना चाहिए. लिया है, फिर कार्य पूरा हो चुका है. यहाँ पर वी हैव और हैज के बाद नॉट लगा देंगे. दूसरा उदाहरण हैज से हम लेते हैं, सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं गई है, या वह मार्केट नहीं जा चुकी है. इस तरह से नेगेटिव वाक्य हम बनाते हैं. इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं.
इसके शॉर्ट फॉर्म है हैव नॉट की जगह हैवेंट, HAVEN apostrophe T लगाकर, हैज के बाद हैज नॉट में हैजंट, N और T के बीच में apostrophe लगा करके हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव नॉट फिनिश्ड द गेम, वी हैवेंट फिनिश्ड द गेम, शी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, शी हैजंट गॉन टू मार्केट। इस तरह से आगे हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव वाक्य भी वेरी सिंपल है। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको हम आगे लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण एक हम लेते हैं, इसी को ले लिया जाए। आई हैव नॉट रिटन अ पोयम, तो इसको हम हैज सॉरी हैव आई रिटन अ पोयम, Have I written a poem? क्या मैंने पत्र लिखा है, या क्या मैं पत्र लिख चुका हूं। Have I written a poem? दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, Has he gone to market? क्या वह बाजार गए हैं, या वह बाजार गया है। Has he gone to market? क्या राम स्कूल जा चुका है, हैज राम गॉन टू स्कूल, या हैज इसको या राम बाजार गया, क्या राम बाजार गया है, हैज राम गॉन टू मार्केट। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसके बाद डब्ल्यू एस फैमिली को हम अगर हम लेते हैं, तो डब्ल्यू एस फैमिली इसके आगे हम लिख देते हैं। डब्ल्यू एस फैमिली में कई बार बता चुके हैं ये, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ इत्यादि, ये वर्ड जो है इसके आगे लगा करके हम वाक्य को इंग्लिश में बोल देते हैं। जैसे व्हेन हैव आई रिटन अ पोयम, वेयर हैड शी गॉन, इस तरह से हम डब्ल्यू एस फैमिली को आगे लगा करके वाक्य बनाते हैं। रेस्ट इंट्रोगेटिव का सेम फार्मूला वही रहता है।